हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ारा होम एंड किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ तिरंगे वाली मिठाई की रेसिपी। अभी आ रहा है रिपब्लिक डे, तो आप इस मिठाई को बनाइए झटपट से, बिल्कुल तीन चीजों से बनने वाली है। तो आइए चलते हैं मेरी रेसिपी की ओर। सो फ्रेंड्स, तिरंगा मिठाई बनाने के लिए मैंने दो कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा, ये मानिए आप तीन चम्मच के करीब घी है, ये तीन चम्मच के करीब पिसी हुई चीनी, और ये आधी कटोरी दूध, और ये आधा चम्मच इलायची पाउडर, और अपने मिठाई को तिरंगा कलर देने के लिए ग्रीन फूड कलर एंड ऑरेंज फूड कलर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने मिठाई बनाने के लिए गैस पे पैन चढ़ा दिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी इसमें से तीन चम्मच घी, और ये थोड़े से मैं रख लूंगी, बाद में ऐड करूंगी इसमें, और इसमें ऐड करूंगी ये दूध, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, घी और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी मैं इसमें मिल्क पाउडर को ऐड करूंगी, हमें बिल्कुल जरा जरा करके ऐड करना है ताकि कोई लम्स ना पड़े इसमें। ये एक कटोरी हो गई, और ये मेरी दूसरी कटोरी। मैंने सारे ऐड कर दिए इसमें, इसे अच्छे से पका लेना है हमें, बिल्कुल एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाए। और जैसे ये पैन को छोड़ देगा ना, तो समझिए आप कि ये हमारी जो मिठाई की जो मिक्स है वो रेडी हो गई है। इसे हमें हल्के आंच पे ही पकाना है, तेज नहीं करना है, वरना नीचे से जो है ना ये जल जाएगा। बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही झटपट से बनता है ये मिठाई। तो अब मैं ऐड करूंगी इसमें जरा सा चीनी, क्योंकि मीठा ज्यादा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, और बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये थोड़े से इलायची पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी हमारा जो मिठाई का बैटर है ना वो अच्छे से पैन छोड़ने लगा है। तो अब इसमें जरा सा मैं और घी ऐड करूंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से अपने तली को छोड़ दे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया है ये। तो बस ये देखिए, बिल्कुल मेरा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और दूसरे बर्तन में इसे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने मिक्स को ये कटोरी में निकाल लिया है। तो अभी मैं इसे तीन पार्ट में कर देती हूँ। अभी मैं अपने मिठाई को तिरंगे का रंग देने के लिए एक कटोरी में ये ऑरेंज फूड कलर मिक्स कर ले रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारा केसरिया रंग आ रहा है। तो ये हमारे झंडे का केसरिया रंग रेडी हो गया। तो अब इसमें ऐड करूंगी मैं ग्रीन फूड कलर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए, हमारे झंडे का तीनों रंग रेडी है। तो अब मैं एक मोट लेती हूँ। और इसके ऊपर मैं डालूंगी ये बटर पेपर, ताकि हमारा जो मिठाई जो है ना वो अच्छे से निकल आए बाहर। और इसे मैं जैसे घी से ग्रीसिंग कर देती हूँ। आप चाहे इसके बदले कोई प्लेट भी यूज कर सकते हैं, और प्लेट पे आप ग्रीसिंग कर लीजिए नॉर्मली। तो ये तो हो गई रेडी। तो अब
सबसे पहले इसमें नीचे का लेयर डालूंगी ग्रीन कलर। और इसे अच्छे से फैला लूंगी इसमें। ये देखिए मैंने ग्रीन कलर को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तो अब इसके ऊपर डालूंगी मैं व्हाइट कलर। और इसे भी अच्छे से सेट कर दूंगी इसके ऊपर। और अब इसके ऊपर डालूंगी ये ऑरेंज कलर। इसे भी अच्छे से इसे स्प्रेड कर देना है। तो ये देखिए हमारे झंडे का तीनों रंग इसमें ऐड हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसे यूं ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। या आप थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा ये, उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूंगी। आप अगर चाहे तो इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए अब मेरी जो मिठाई बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। तो मैं इसे ट्रे में निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसे यहाँ रख लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो पहले मैं साइड का जरा जरा कट कर लेती हूँ। आप नैपकिन से साफ कर लीजिए चाकू को, ताकि अच्छे से कटिंग हो इसकी। बस अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा तिरंगा मिठाई बिल्कुल रेडी है। तो बस आप भी यूं ही बनाइए और एंजॉय करिए। तो चलिए मैं अभी इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इस पर जरा सी पिस्ता की गार्निशिंग कर लेती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहे तो आप इसके बिना ही बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे तिरंगे मिठाई की प्लेटिंग हो चुकी है। तो बस आप भी इस रिपब्लिक डे को ये मिठाई बनाइए और इस दिन को एंजॉय करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।